अरे वाह 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 वाह, क्या गीत गाए हो यार। कसम लंबडंड वाले बाबा की इसी बात पर एक शेर याद आ गया कि शुरू सिनेमा हाल से किए YouTube पर स्ट्रगल जारी है। वाह मुलाजा फरमाइएगा। इरशाद हाँ, कि शुरू सिनेमा हाल से किए YouTube पर स्ट्रगल जारी है, भोजपुरी को और कितना आगे लेकर के जाओगे, अब तो Instagram रील पर ट्रेंड होने की तैयारी है। वाह क्या बात है। एक वो है जो 100 करोड़ छाप के चुपके से निकल जाते हैं, वाह, एक हमारे वाले हैं जो Instagram रील पर ट्रेंडिंग आते ही गधों की तरह चिल्लाते हैं। साया चोली वाले गाने पर कोई पूछ ले सवाल तो आग बबूला हो जाते हैं, और 2000 साल पुरानी भाषा को छाती पीट कर कहते हैं कि भोजपुरी को हम ही आगे बढ़ाते हैं। अरे लूट लिया जा भाई आपने, लूट लिया। तो काल है, ठीक है दोस्तों, एक समय था जब कोई बड़ा स्टार गीत गाता था तो नए कलाकार उसको कॉपी करते थे। जाहिर सी बात है, नया कलाकार अपने पुराने वालों को ही देख करके सीखेंगे, तो उनका कॉपी करना लाजमी भी है, बनता भी है। बट आज बताओ, हालत इतनी बुरी है कि इतने बड़े बड़े स्टारों को अब टेंगे टेंगे और पेंगे पेंगे करना पड़ रहा है। भाव से भोजपुरी और भाव से भेड़ चाल, दोनों का चोली दामन का साथ है भैया। पहले नए कलाकार भेड़ चाल करते थे, अब बड़े बड़े कलाकार कर रहे हैं। इससे पहले एक और मैटर वायरल हुआ था कि पति के साथ रबू की देवर के साथ, हम देवर साथ से रहे ना माने, मतलब बाढ़ सी आ गई थी उस पर गाना निकालने के लिए। साफ सुथरा बात बताओ कि तू पति के साथ रहू कि देवर के साथ रहू? हम देवर साथ से रहे। और अब टेंगे टेंगे पेंगे पेंगे आया है, उस पर देंगे लेंगे हो रहा है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी एल्बम इंडस्ट्री किस दौर से गुजर रही है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि बिना टेंगे पेंगे के कोई गाना चल ही नहीं रहा है। और ये सारा ड्रामा क्यों हो रहा है पता है? Instagram रील पर ट्रेंड करने के लिए। विजन देख रहे हो इनका कितना बड़ा है, Instagram रील पर ट्रेंड करना है इनको। अरे उससे भी बहुत सारी घटिया जगह है यार, उसे ढूंढो, वहाँ ट्रेंड करो। अरे शर्म करो, देखो कोई नया कलाकार करे तो समझ में आता है, वैसे हम लोग कुछ बोलते भी नहीं नए कलाकार को, भाई वो आगे बढ़ने के लिए हाथ पैर चला रहा है, कुछ तो कर रहा है ना। बट जो ऑलरेडी स्टारडम के शिखर पे बैठा है उसको महावीरवा वाला का सहारा लेना पड़ रहा है, मतलब समझ रहे हो। महावीरवा वाला जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें बहुत ही गंदी गंदी और घटिया घटिया गाली है, उसका सहारा लेना पड़ रहा है, गाली का, वो भी घटिया गाली का। अरे जाओ रहने दो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। रितेश पांडे का भी एक गाना आया है जिसका बोल है गेहूं के टून गड़े जेने तेने, गेहूं के टून गड़े जेने तेने, गड़े जेने तेने। फ्लेवर वही है टेंगे टेंगे वाला, बट इस गाने का पिक्चर क्वालिटी देखो, कसम लंबडंड वाले बाबा की ऐसा महसूस हो रहा है ना जैसे विजय माल्या से लोन लेके ये गाना बनाया हुआ है। अरे भाई ऐसी भी क्या गरीबी छा गई है भाई, इससे अच्छी क्वालिटी तो नए नए सिंगर निकाल ले रहे हैं अपने गानों में। बात तो सही है। अरे माना कि कुछ समय से आपका गाना नहीं चल रहा है, पैसे नहीं आ रहे हैं, तो कम से कम एडिटिंग में ही थोड़ा कलर भर लिए होते। अब नई कंपनी का बहाना मत देना कि भाई नई कंपनी है, इतना बजट नहीं है उसका। भाई माई के झुमका गिरवी रखने वाले भी इससे अच्छा क्वालिटी लेके आते हैं अपने गानों में। ये पूरा गाना सुन लो, क्या मजाल है कि भाई ने एक ठुमका भी मारा हो पूरे गाने में ना। भाई बड़े स्टार हैं ये, खुद क्यों ठुमका मारेंगे? भाड़े पे 3-4 नचनिया रखे हैं, इनके बदले वो ठुमका मारेंगे, ये खुद क्यों मारेंगे? अरे माना कि डांस करना नहीं आता है तो भोजपुरी में किसको डांस करना आता है, कोई एक नाम बताओ। किसी को नहीं आता है ना, फिर भी आदमी कोशिश करता है ना कि अपने गाने में ज्यादा से ज्यादा मनोरंजन भरा जाए, जो आता है वही करो, ऐसे ऐसे कुछ तो करो। भोजपुरी गाना बिना नृत्य के वैसे ही है जैसे बिना हल्दी का दाल, ठीक है गीत गाते हो थोड़ा नाचा कूदा करो, वीडियो गाना है ये, ऑडियो गाना नहीं ना है, तो पब्लिक के देखने के लिए भी तो कुछ करो। कैसेट वाला जमाना खत्म हो गया, अब वीडियो वाला जमाना है, तो वीडियो में कुछ न कुछ करना पड़ेगा जिसे इंसान को देखने के बाद थोड़ा मजा आए, कहाँ बंदा कुछ कर रहा है, अरे वाह क्या कूदा है,
वाह क्या ढिमलाया है, वाह क्या नाचा है, कुछ तो आए। फिर भी नहीं नाचना है तो दो चार लड़कों को रख कर गाने में कुछ कॉमेडी ही कर लो, आजकल तो ये भी चल रहा है। अब बात करें भैया पवन सिंह की। पूरी इंडस्ट्री में यही एक बंदा है जिसका इंतजार बहुत शिद्दत से करना पड़ता है कि अब आएगा, नहीं आया अब आएगा, अच्छा अब भी नहीं आया अब आएगा, अरे यार कब आएगा, मैं नहीं बताऊंगा। अब जब पब्लिक का पेशेंस टूटने लगता है कि अब नहीं आएगा लगता है, तब आता है इनका एक ठो पोस्टर, तब अटकी हुई सांस धीरे धीरे चलनी शुरू होती है, तब लोगों को लगता है कि हाँ जिंदा है आएगा। पवन सिंह नाम, और पवन सिंह एक बढ़िया सिंगर है तो उम्मीद भी लोग तगड़ी बांधते हैं कि आएगा तो कुछ धमाका ही लेके आएगा। बहुत अच्छा लगेगा। ये सब कुछ हुआ इस बार भी, लोग इंतजार करते रहे, पवन सिंह पॉलिटिक्स में व्यस्त रहे, लोगों को लगा कि नहीं अब नहीं आएगा, अब पॉलिटिक्स में गया। फिर एक पोस्टर आया, उम्मीद जगी, गाना भी आ गया और वो गाना है ये। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रहने दो। पब्लिक के इतने इंतजार के बाद अगर तुम ये गाना दे रहे हो तो मैं यही कहूंगा कि गांव के बीच में जो पोखरा है ना, गांव के बीच में नहीं तो गांव के पीछे जरूर होगा, हर गांव में होता है। अच्छा हाँ, तो उस पोखरा से चुल्लू भर पानी लेकर आओ, बाकी पूरी दुनिया को पता है कि इस चुल्लू भर पानी का यूज क्या है, डूब के बचाओ। जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था ना कि हर भोजपुरी गाने में सेम म्यूजिक बज रहा है, सारे गानों में बस वही बज रहा है, टीणी नीणी पीणी नीणी टीणी नीणी पीणी नीणी, खत्म। इसमें भी वही है। गाने के वीडियो में खर्चा तो खूब किया है इन लोगों ने, खर्चा तो इतना है कि इतने खर्चे में जो रितेश पांडे का गाना अभी देखे हो ना, ऐसा ऐसा 20 गाना बन जाए। गाना भी ठीक ठाक ही है, बट म्यूजिक और जो लोग बैकग्राउंड में कोर्स में गा रहे हैं, ये दो चीजें बहुत ही वाहियात लग रही हैं। ठीक है, म्यूजिक को तो हम फिर भी एक बार हजम कर लेंगे क्योंकि भाई अब तो आदत हो गई है एक ही जैसा म्यूजिक सुनने का, लेकिन कोर्स में जो आवाज आ रही है ना वो बहुत ही बहुत बकवास लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बधाई मांगने वाले गा रहे हैं। खैर तो यार बस आज के लिए इतना ही, छोटा सा वीडियो था, पसंद आया तो लाइक कर देना, पसंद नहीं आया तो फिर आजाद भारत के नागरिक हो जो चाहे करो, लेकिन YouTube ने आपको इतनी आजादी नहीं दी है कि आप डिसलाइक करो और आपको बता दे कितना डिसलाइक हुआ है, इतनी भी आजादी नहीं मिली है। डिसलाइक करने वालों को YouTube ने पहले ही गेम से आउट कर दिया है, तो देख लो अपने हिसाब से क्या करना है। और हाँ, कोई बात बात करनी है तो Instagram पे आओ, वहाँ पे आके मैसेज करो। ईमेल करने लगते हैं यार लोग, कितनी बार बोल चुका हूँ कि ईमेल मैं खुद मैनेज नहीं करता हूँ, ईमेल जो आता है वो इंग्लिश में आता है और मुझे इंग्लिश नहीं आती है, ईमेल मैनेज करने के लिए दूसरा आदमी है और वो सिर्फ बिजनेस वाले ईमेल को ही रिप्लाई करता है। सो ईमेल मत किया करो, Instagram पे आओ, मैसेज करो, कोई बात हो तो मैसेज करो, है ना। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।